अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और अब हम लोग जो है लाहौर से निकल गए थे, और जो है वैसे हम जो है लाहौर से निकले थे कश्मीर जाने के लिए। बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र था और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारी ख्वारी हुई, क्योंकि जहाँ जा रहे थे हमें आखिरी बस मिल रही थी, जहाँ जा रहे थे हमें आखिरी बस मिली थी कि ये आखिरी बस ही यही जाएगी और इसके बाद कोई बस नहीं जाएगी। तो हमें बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हुई, बच्ची भी थी हमारे साथ बहुत ज़्यादा, वो तंग कर रही थी। और जो है बस अब जो है मेरी ये वीडियोस देखते हैं। यहाँ बस ने जो है आधे घंटे का ब्रेक लिया था, फिर हम उतर गए थे क्योंकि बच्ची को भूख लग रही थी। इसके लिए कुछ खाने पीने का लेना था हमें, और जो है काफ़ी चीज़ें नहीं भी मिल रही थी जो ये खाती है बहुत मुश्किल से। बस डंकिन डोनट है, ये शुक्र है मिल गया था, डोनट इसने खा लिया था। और फिर हम निकले इस्लामाबाद, हम पहुँच गए थे। हमारा ये इस्लामाबाद का सफ़र स्टार्ट हो गया था, लाहौर से इस्लामाबाद 2:30। वीडियोस देखने में लगता है कि हम फ़ौरन पहुंच गए, लेकिन इतना ज़्यादा सफ़र होता है, इतना ज़्यादा सफ़र होता है, बहुत मुश्किलात का सफ़र होता है ये। फिर बहुत मुश्किल से हम पहुंचे और ये हो गई हमारी मॉर्निंग। कश्मीर पहुंच गए थे रात के टाइम हम लोग कश्मीर पहुंच गए थे, और हमने कुछ भी व्यू नहीं देखा था क्योंकि अंधेरा था हर तरफ। और ये हमारी विंडो के बाहर का जो है बहुत प्यारा सा व्यू था कश्मीर का। ये हम कश्मीर सिटी में थे, और अब ये मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि हमारी गाड़ी आ गई थी, हम लोग जा रहे थे फिर से, हमें नाश्ता करना था और फिर हम लोग निकल गए। ये हमारा होटल था। चलें जी, चल के नाश्ता करते हैं। ये वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस माखन खानी पराठा था, बहुत मज़े का था। और बस हम लोग निकल गए थे आगे के सफ़र के लिए। कश्मीर बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, ऐसा लग रहा था कोई, सब कहते हैं वैसे कि एक जन्नत का टुकड़ा है जो अल्लाह ने ज़मीन पे दिया हुआ है हम लोगों को। और बहुत ज़्यादा प्यारा था कश्मीर। अब मेरी फिर से ख्वाहिश है कि मैं फिर से कश्मीर जाऊँ। Thank you.
पानी जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि मैंने शूज़ उतार के जैसे ही पानी में पैर डाले मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इतना ज़्यादा बर्फ़ जैसा पानी था ये। और अब मेरी बेटी ने झूले देख लेते हैं, उसको झूलों पे जाना था और ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, पैर 2 मिनट भी हम रखें तो वो जम जाएंगे, बर्फ़ जैसा पानी था वो। ये जो छोटा सा कच्चा लकड़ी का ब्रिज बना हुआ था ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा कच्चा था, क्योंकि हम खड़े हो रहे थे या चल रहे थे तो वो हिल रहा था और वो आवाज़ें कर रहा था। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे यहाँ इसको क्रॉस करूँ। और ये इंडिया पाकिस्तान के बीच का, देखें ये इंडिया है सामने और हम लोग तो यहाँ पाकिस्तान में। और हम लोग यहाँ खड़े हुए थे तो मेरे फ़ोन में 2 टाइमिंग्स आ रही थी, दिल्ली की टाइमिंग आ रही थी मेरे पास और जो पाकिस्तान की टाइमिंग भी आ रही थी मेरे फ़ोन में। ये ना अंजीर का दरख्त था और ये छोटी छोटी सी अंजीर थी, मुझे पता नहीं था, फिर मैंने वहाँ के लोकल से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ना अंजीर है। और ये देखें पकी हुई भी थी जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी। और हम लोग जो है कश्मीर के सिटी से निकल के हम लोग जा रहे थे नीलम वैली जा रहे थे, तो ये बस रास्ते का सफ़र था जो मैं दिखा रही थी, क्योंकि रास्ता ही होता है देखने के लिए बहुत खूबसूरत। इसमें हमने एक ना हिरन का बेबी देखा, वो ना अंदर पानी में जा रहा था लेकिन वो बेचारा मर चुका था। और बस हम डे 2 का कश्मीर का फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और कश्मीर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, आप लोग भी विज़िट करें अगर आप लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।